तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? खुद हक देते हो और खुद ही सवाल पूछते हो। दुनिया और भगवान को साक्षी मानकर तुमने मुझसे शादी की। पत्नी हूँ मैं तुम्हारी, उसी हक से मैं इस घर में रहने आई हूँ। ओए, तेरा दिमाग खराब है? उसे सिर्फ दिखावे की शादी की है हमने, समझी? मैं तेरा घर बसाने के लिए नहीं, कि तेरा घर उजाड़ने के लिए, कि तेरे को बर्बाद करने के लिए की है। और तुझे क्या लगता है ये सब होने देंगे? चल निकल, निकल यहाँ से। शादी तो शादी होती है ना, पर उसका मतलब है दो लोगों का साथ में रहना, एक छत के नीचे रहना। फिर चाहे तुम्हारा मकसद जो भी हो, शादी की है तुमने मुझसे और अब तुम्हें उसे निभाना होगा। दिमाग खराब है, पागल हो गई तू? अपनी बकवास बंद कर ना, सीधा अपने बाप के पास जाएगी, समझी? ठीक है, मारना है तो मार डालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं ये शादी निभाऊंगी। अब तुम और ये घर, यही मेरी किस्मत है। बेहोश सरफिरी लड़की, आज ही अम्मा की तबीयत खराब है और किसी भी हाल में उनको ये नहीं पता चलना चाहिए कि तू यहाँ आई है, समझी? अजीब बात करते हो, आज ही अम्मा मेरी दादी सास है, शायद अब वही मुझे समझ सकती है। और उन्हें कैसे नहीं पता चलेगा कि उनकी बहू इस घर में आई है? मुझे उनकी सेवा भी तो करनी है ना। जलवा दिखाए हो अपना, एकदम लाजवाब काम किया। बस अब धीरे धीरे देखते जाओ, सलाका का चिल्लर चांप होता है इस घर में। अब तो चाकू, छुरी, बंदूक, तमंचा सब अपना रोल निभाएंगे। वैसे दत्तू, हम सुने थे कि जिस घर में रिश्ते आपस में टकराते हैं ना, वहाँ पहले तो दिल टूटते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे सब टूट जाते हैं। साला दुश्मन की जरूरत ही नहीं पड़ती। खा गए थे। अब बताइए, साला इसे कहते हैं असल नस्ल। अब इसका श्रेय ना तुमको जाता है ना हमें जाता है, साला सारा श्रेय जो है ना ये लौंडिया को जाता है। कैसे? मान गए साली का जिगरा, बाप की सीटी बज गई, निकल लिए। लौंडिया खुद ब खुद यहाँ चली आ रही थी, साला कुछ करना ही नहीं पड़ा। मैं मुनमुन हमारी आंखें चौंधिया गई थी जब इसको देखा यहाँ आते हुए। क्या बात कर रहे हो तुम? वो कहते हैं ना कि जब गंगा की धारा बहती है ना, साला रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेती है, समझ गए? खूब समझे। ओए ओए लौंडिया, कहाँ जा रही है? रुक इधर। ओए प्लीज इतना शोर मत कर, आज ही अम्मा की तबीयत खराब है, उन्हें डिस्टर्ब होगा। आजी अम्मा, लात मार के इसे इस घर से बाहर निकालो अभी के अभी। चल तुमको बाहर फेंक। आजी अम्मा, इन्होंने मुझसे शादी की, पूरे शहर के सामने, इस घर की मैं बहू हूँ, इस हक से मैं यहाँ आई हूँ। वाह, बाप गोली चलवाता है और बेटी आकर हक की बात करती है। शमशेर, हमें नाज है तुम पर, का सजा दी है इसको, तुम्हारे लिए इससे बेहतरीन सजा हो ही नहीं सकती थी। डंके की चोट पर बदला लिया है। मैं सब कुछ भुलाकर इस घर की बहू बनना चाहती हूँ, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए और आपकी रजामंदी। चुप कर। अजय मैं, ये एक नंबर की डीट लड़की है, इसको अभी निकाल के बाहर फेंक देते। तिलक राज की लौंडिया है ना, खून में बेशर्मी है इसके। साला तुझे कहाँ लगता है, समझ में नहीं आएगा? कल तक नफरत करती थी इस हवेली से, हमसे, हमारे शेर से, अब बहू बनना चाहती है। अनाज खाते हैं गोबर नहीं। दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होना, सुरक्षा कहाँ से मिलेगी? सिर्फ इस हवेली से। इसीलिए कुत्ते की तरह दुम दबाए हमारे सामने खड़ी है, गिड़गिड़ा रही है,
ये जो मगरमच्छ के आंसू है ना, किसी और के सामने बहाना, निकाल। चल बे। आजी अम्मा प्लीज, आजी अम्मा। आज छोड़ो। ये क्या कह रहे हो मुन्ना? एक कारण जी, तो खड़ी हुई क्या देखती? बहू है इस घर के, लेके जा। मुन्ना तुम्हारा दिमाग तो सही है? जी, तुम्हें जो सही लगे तुम वो कर सकती हो, लेकिन हमें भी कुछ कहने का हक है कि नहीं, इसलिए हमारी बात गौर से सुनो। इस लौंडिया को इस घर में लाने में हमने मदद की है, जरा सी भी ऊंच नीच हो जाती जीजी तो उसके मरे हुए बाप का कुछ नहीं जाता। तुम्हारी इज्जत, हमारी इज्जत, इस हवेली की इज्जत सब नीलाम हो जाती। लोग तो यही कहेंगे ना कि जो कुछ भी हुआ है शमशेर की बीवी के साथ हुआ है। जो लोग इस हवेली के सामने से